चालू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। सो कल हमने क्या पढ़ा, कल हम लोग पढ़े फ्यूचर एंड ऑप्शन। नाउ हम लोग कल ये बोले कि फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्यूचर्स है मार्क टू मार्केट, फॉरवर्ड में क्या होता है, कोई मार्क टू मार्केट नहीं होता है। बट तो इसका मतलब सोचो, फॉरवर्ड मतलब अगर आज ऐसा हो कि हम किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए एंड जैसे ही मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, हम उसको बोले कैसा पैसा, कोई पैसा नहीं है, वैसे कितना सारे लोग का नुकसान हो जाता है, राइट। सो इसीलिए पोस्ट 2007-8, नाउ वी नीड टू नो बिकॉज आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एग्जांपल्स ऑफ 2007-8। सो व्हाट हैपेंड इन ऑनलाइन में, सबको मेरा वॉइस आ रहा है ना आज कल, क्योंकि वो लोग बेचारे लोग क्लास नहीं कर पाए थे, कल मैंने बैकअप तो दिलवा दिया था। डाउट्स मैं लूंगा, प्लीज थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, 10-15 मिनट क्लास का फ्लो बनने दीजिए, आप डाउट्स चैट बॉक्स पर डाल दीजिए। सो ऑनलाइन में सबको मेरा वॉइस आ रहा होगा, ओके। सो अब सोचो कि ऐसा अगर होता 2007-8 में क्या हुआ था। देर आर टू कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स, वन इज अ प्राइम बोरोवर एंड द अदर इज सब प्राइम बोरोवर। सो जो प्राइम बोरोवर होता है वो क्या होता है, उसका हैसियत होता है, उसका औकात होता है। आज के दिन पे अगर हम चाहे तो हम 2 करोड़ रुपए का बैंक से लोन 2 दिन में ले सकते हैं, मेरा ऐसा क्रेडिट वर्थ है। बट क्या तुम ले सकते हैं, द आंसर इज नो, ठीक है। बट सोचो कोई बैंक मैनेजर अपना कमीशन के लिए 2% कमीशन, मतलब बोला सर 2 करोड़ में आपको 4 लाख रुपए मेरे को देना होगा, 2% कमीशन के चक्कर में तुमको लोन पास कर दिया, तुम्हारा कोई इनकम है नहीं, तो यू आर अ सब प्राइम बोरोवर। ऐसे लोगों को लोन पास कर दिया जिनका औकात नहीं था, जिनका हैसियत नहीं था। सब लोगों को यह लगा कि यूएस में हाउसिंग प्राइसेस बढ़ेंगे, बट बढ़ा नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में वो एक बबल था, वो बबल फूटा एंड लोग, फॉर एग्जाम्पल घर मान लो अगर है 5 करोड़ का, तुमने लोन ले लिया अप टू 5 करोड़ का, 5 करोड़ का लोन ले लिया, एंड जब वो बबल टूटा तो ये जो घर है इसका वैल्यू गिर के हो गया 2 करोड़ या फिर 1 करोड़, तो बाकी सारा क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा बैंक के लिए, एनपीए हो जाएगा। सो वहां पर भी यही हुआ, ठीक है ना। और अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाए गए। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, जैसे मान लो मैंने एक लोन, बैंक का बैलेंस शीट कैसा होता है, बैंक का बैलेंस शीट में क्या होता है, बैंक का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्या होगा और एसेट साइड में क्या होगा। लाइबिलिटी साइड में होगा जो भी डिपॉजिट बैंक लिया है, याद है, टर्म डिपॉजिट, सेविंग्स, जो भी डिपॉजिट बैंक लेता है, एंड एसेट साइड में क्या होगा, जो भी बैंक लोन दिया है। ये बैंक का बैलेंस शीट है। बैंक क्या किया, 1000 करोड़ का डिपॉजिट ले लिया, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रखा और 900 करोड़ का लोन दे दिया, तो क्या बैंक ये काम करके बैठ जाएगा, नहीं। जैसे मान लो हम आज मेरा जो बुक्स है, मेरा बुक्स में क्या होगा, जिसको मेरे को पैसा देना है वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, जिससे मेरे को पैसा लेना है वो एसेट साइड में आएगा। हम अपना एसेट दिखाएंगे और बोलेंगे देखो मेरे को ये पैसा मिलने वाला है, तुम आज मेरे को थोड़ा सा लोन दो, फिर जैसे ही मेरा ये पैसा आ जाएगा हम तुमको चुका देंगे। दिस इज द नॉर्मल टर्म्स जो लोन का सब लोग ये बोल के लेते हैं पैसा, कि भाई मेरा पैसा कहीं पर फंस गया है, आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं तुमको दे दूंगा। तो बैंक क्या करता है, अपना लोन बुक दिखाता है, अपना एसेट क्वालिटी दिखाता है और उसके बेसिस में और लोन लेता है, और लोन लेता है। फिर जो अब जैसे मान लो बैंक 900 करोड़ का लोन दिया है, ये दिखा के बैंक मान लो 500 करोड़ का लोन और ले लेता है, ये तो एसेट है ना बैंक का, बैंक का तो ये एसेट है, तो इसको दिखा के बैंक 500 करोड़ का लोन और ले लिया, फिर इसको दोबारा लोन पे दे दिया। तो ये डिपेंड करता है बैंक कितना लेवरेज लेना चाहता है। खाली मान लो डिपॉजिट लिया और लोन दे दिया, बैंक वहां रुकता नहीं है, ये प्रोसेस बार 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 रिपीट करता है, ताकि क्या होगा, वो एक सर्टेन अमाउंट से और लोन दे सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या हुआ, वो लोग देखा कि भाई ये जो मेरा एसेट है ये पैसा तो थोड़े टाइम बाद आएगा, तो वो लोग क्या किया, एक टाइप का स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बनाया। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट जो बनाया उसमें क्या हुआ ना, उसमें वो लोग बोला देखिए इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एसेट बैक सिक्योरिटी। बेसिकली ये जो इनलिक्विड लोन था, ये जो इनलिक्विड लोन था, इसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर उसको दोबारा कैसे बेचा। बोला देखिए मेरा जो पैसा आना है, मेरा जो पैसा आएगा, जो बोरोवर जो है उससे जब पैसा आएगा, तो सबसे पहले सीनियर ट्रांच में पैसा जाएगा, उसके बाद मेजनाइन ट्रांच में पैसा जाएगा और फिर जंक कैटेगरी में। तो इसीलिए सीनियर ट्रांच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 3%,
मेजनाइन में था 6%, जंक में था 10%। जंक में 10% क्यों था? बिकॉज सबसे लास्ट में पैसा इसमें आएगा, ठीक समझो। पैसा आना था मान लो 2 करोड़, ठीक है ना, और पैसा टोटल में आया तुम्हारा 1.6 करोड़। तो ऐसा हो सकता है जंक को कुछ भी ना मिले, क्योंकि जंक ज्यादा रिस्क लिया है ना। तो ये लोग क्या किया, जैसे मान लो लोन जो एक बार दे दिया, फिर उसको वापस से लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया, एसेट का एसेट बैक सिक्योरिटी बना के। आज जैसे मान लो मेरा ये सेंटर मेरा खुद का है, ये 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो हम ये बैंक को अगर कागज गिरवी देंगे तो बैंक मेरे को लोन देगा ना भाई 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो बैंक का एसेट क्या है? जो लोन दिया है। तो बैंक को जो लोन जो दिया उसको दिखा के वापस लोन ले सकता है ना, समझा। तो ये एक टाइप का स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट वो लोग बनाया था, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट वो लोग बनाया था, ठीक है ना, यूएस में। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जिन लोगों से पैसा लेना था वो लोग पैसा दिया नहीं, तो ये लोग को भी पैसा गया नहीं, और ऐसे पूरा सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया, एसेट बैक सिक्योरिटी एंड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ बेसिकली कमिंग बैक टू द डिस्कशन, 2007-8 में क्या हुआ, एसेट के बहुत सारे ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए जहां पर बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हुआ। आज एक बात सोचो, पैसा हमको समझ में आता है इकोनॉमी में कब है, क्योंकि मेरे पास एक किसान का बेटा भी पढ़ता है, एक बिजनेसमैन की बेटी भी पढ़ती है, एक सैलरीड एम्प्लॉय का बेटा बेटी भी पढ़ता है। तो बेसिकली हमको समझ में आता है जब मेरे पास इजी फ्लो ऑफ इनफ्लो आता है, मतलब इकोनॉमी में कैश है। जब लोग बोलते हैं नहीं हमको थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए, मेरे को क्रेडिट चाहिए, तब फिर मुझे समझ में आता है इकोनॉमी में कैश का क्रंच है। तो ये जो है जो फॉरवर्ड जो है, कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि फॉरवर्ड में सिर्फ जबान लगता है पैसा नहीं लगता, बट ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड में भी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीपी, सेंट्रल क्लियरिंग काउंटर पार्टी बोलते हैं इसको। सो बेसिकली क्या होता है, जो सीसीपी जो होता है, सेंट्रल क्लियरिंग काउंटर पार्टी समझ लो, या फिर बायलैटरल क्लियरिंग समझ लो, ठीक है ना। सो ये लोग क्या बोलते हैं कि आपको पहले दोनों जन मार्जिन रखिए, फॉरवर्ड में आने के लिए भी मार्जिन रखिए। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, मार्जिन नहीं रखेंगे तो कुशन नहीं होगा ना लॉस के अगेंस्ट में, नहीं तो ऐसे तो कोई भी कॉन्टेक्ट कर लेगा और बोल नहीं होगा तो फिर बोलेगा मत दो। तो इसलिए सीसीपी सेंट्रल क्लियरिंग काउंटर पार्टी के आने से क्या हुआ, बेसिकली फॉरवर्ड में भी 2007-8 के बाद में मार्जिन ये सब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। बट यहां पर जब थ्योरी पढ़ते तो उतना हम लोग दिमाग नहीं लगाते, बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है, मार्जिन के बिना कोई भी काम नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहां पर तुम्हारा मार्क टू मार्केट नहीं हो, फ्यूचर में क्या होगा, हर एक सेकेंड दाम चेंज होता है। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन फॉर बेटिंग, ठीक है ना, सट्टाबाजी के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव इज समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट, कोई अंडरलाइंग एसेट से डेरिवेटिव अपना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STNMT, सीनियर ट्रांच एंड मेजनाइन ट्रांच, सीनियर ट्रांच एंड मेजनाइन ट्रांच। कंपनी में भी तो होता है सीनियर कॉर्पोरेट बॉन्ड, जूनियर कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या, जब पैसा कंपनी के पास में आएगा सबसे पहला हक किसका है, सीनियर कॉर्पोरेट बॉन्ड का है, और सीनियर कॉर्पोरेट बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, बिकॉज सीनियर कॉर्पोरेट बॉन्ड सबसे पहले पैसा उसको मिलेगा, तो रिस्क वहां पर कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पर कम होगा। आज मान लो हम पैसा गवर्नमेंट को देंगे तो 4, रिलायंस को देंगे तो 10, अनिल अंबानी को देंगे तो 20, समझ रहे ना। तो बेसिकली जब 2007-8 का जो क्राइसिस हुआ उसके बाद में सभी लोग को, चाहे वो फॉरवर्ड हो मार्जिन, अब डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या, देखो जैसे मान लो जो स्पॉट है, स्पॉट चल रहा है 400, ठीक है। हम लोगों ने कल एक चीज देखा था, मान लो 1 साल का 1 ईयर फॉरवर्ड है, एंड जो RF है, जो रिस्क फ्री रेट है, वो है 10% का। तो 1 साल के बाद में हम लोग ने क्या देखा था, फॉरवर्ड फ्यूचर का प्राइसिंग कैसे होता है, यही चीज को 1 साल आगे ले जाओ, तो कितना आएगा प्राइस, 440 आएगा, बट मैंने कल एक आर्बिट्रेज भी दिखाया था आप लोगों को। क्या आर्बिट्रेज दिखाया था, कि हो सकता है मार्केट में दाम हो 430 या फिर 450, फॉरवर्ड का ये हो सकता है। अब एक चीज समझो, ये 440 क्या है, एक चीज समझो, स्पॉट चल रहा है 400, और फॉर एग्जांपल बता रहे, फॉरवर्ड का जो दाम चल रहा है, 1 ईयर फॉरवर्ड का जो दाम चल रहा है वो चल रहा है 440। हम एक ट्रेड बैठाया, हम किया 1S+ और 1F-, ठीक है ना। अब धरती हिल जाए, आसमान झुक जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए,
ये जो मैंने किया 1s प्लस एंड 1f माइनस एट द रेट 440, इसमें मेरा 40 रुपए तो आना ही आना है। देख लो पहले, कुछ भी हो, मैं एक साल के बाद में शेयर का दाम कुछ भी हो, 500, 600, 200, 0, कुछ भी होगा, मेरे को 40 रुपए का तो प्रॉफिट होना ही होना है इसमें। धरती आसमान कुछ भी हिल जाए, कैसे मैं समझाता हूं। मेरे पास एक शेयर है, मेरे पास एक शेयर है, आज मैंने बाय कितना में किया, 400 में, ठीक है। मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल लगाया कितना में, 440 में, मतलब एक साल के बाद में हम उसको ये शेयर कितना में देंगे, 440 में। आएगा कितना पैसा, 440। शेयर हम आज कितना में लिए, 400 में, तो डिफरेंस कितना का, 40। तो बताओ ये मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, गलत, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। शेयर आज खरीदे, पैसा मिलेगा एक साल बाद, ब्याज कौन भरेगा? ठीक है, तो एक साल का ब्याज कितना आ रहा है, 400 रुपए बोरो किए, 400 रुपए बोरो किए, कितना रेट पे, 10% पे बोरो कर लिए, तो मेरा ब्याज कितना लगा, 40 रुपए। तो बात बराबर, बात बराबर। हमेशा जो प्राइसिंग हम लोग करेंगे वो नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल के हिसाब से करेंगे, किसी भी श्याणा को मुफ्त का प्रॉफिट नहीं देंगे, समझ गया? तो हमेशा जो प्राइसिंग करेंगे वो नो आर्बिट्राज के हिसाब से करेंगे। तो एक्यूरेट प्राइसिंग क्या होना चाहिए, 430, 450 या 440? 440 एक ऐसा प्राइस है जिसपे आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है, 440 पे आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है। अगर 430 होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर 430 होगा तो मैं क्या करूंगा, जो चीज का दाम 440 होना चाहिए वो चीज कितना में मिल रहा है, 430, तो मैं क्या करूंगा, 1f प्लस 1s माइनस। जो चीज का दाम 440 होना चाहिए वो चीज 450 में मिल रहा है, तो क्या करूंगा, 1f माइनस 1s प्लस। सो इसीलिए जो प्राइसिंग होता है, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, हेडिंग लगाना प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेज बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रिस्क लेस प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, कोई भी रिस्क लेस प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल करूंगा मैं, कराऊंगा आज के क्लास में, ठीक है, एक और एग्जांपल कराऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कराऊंगा। प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा जो फॉरवर्ड का जो प्राइस आता है उसको हम लोग के जीरो बोलते हैं। के जीरो इज एस जीरो ई टू द पावर आर टी, ई टू द पावर आर टी इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने जो बेसिकली आर इज द कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज द टाइम पीरियड जितना के लिए अक्यूमुलेट करना है, एंड ई टू द पावर आर टी मेरा क्या है, ई टू द पावर आर टी मेरा क्या है, ई टू द पावर आर टी इज माई अक्यूमुलेशन फैक्टर, ई टू द पावर आर टी इज माई अक्यूमुलेशन फैक्टर। अनुश्री गुप्ता पूछ रही है व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग फ्यूचर ओवर शेयर एंड व्हेन वी हैव प्रॉफिट इन दैट। बेटा कल मैंने ये डिस्कस किया था, आज मैं वापस से डिस्कस करूंगा, आप थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, ठीक है। डेरिवेटिव में कुल मिला के 15 से 16 क्लास हम लोग करेंगे और उसे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके सारी चीजें एकदम लिक्विड हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये प्राइसिंग समझ में आया, ये क्यों हो रहा है समझ में आया, बिकॉज ये ऐसा प्राइस है जहां पर आर्बिट्राज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। शेयर तो मेरे पास है नहीं, बोरो करेंगे तो ब्याज का कॉस्ट जोड़ो, क्योंकि फॉरवर्ड में तो ब्याज का कॉस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए के जीरो इज एस जीरो ई टू द पावर आर टी, ये हम लोग को कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, यही बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर होल टू द पावर टी। अब इसी पे एक एग्जांपल कर लेंगे, इसी पे एक एग्जांपल कर लेंगे। स्पॉट चल रहा है 500, ठीक है, आरएफ दिया हुआ है 4% पर एनम, आई दिया हुआ है, डेल्टा बोलेगा, डेल्टा मतलब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होता है, ठीक है ना, डेल्टा मतलब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होता है। अक्यूमुलेशन फैक्टर अगर डेल्टा दिया हुआ हो तो क्या होता है, ई टू द पावर डेल्टा एन, अगर आई दिया हुआ तो क्या होता है, 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, ठीक है ना। 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हम लोगों को प्राइस निकालना है, तो कैसे होगा बताओ, 500 1.04 टू द पावर 3/12, 3 महीना के लिए अक्यूमुलेट करेंगे, 3 महीना के लिए अक्यूमुलेट करेंगे इसलिए क्या आ रहा है 3/12, 3 महीना के लिए अक्यूमुलेट कर रहे हैं इसलिए क्या लिख रहे हैं 3/12, ठीक है ना। तो इसका प्राइस निकालिए कितना आ रहा है, इसका प्राइस निकालिए कितना आ रहा है, कुछ नहीं है, बेसिकली जो दाम था उसको हम लोग 3 महीना आगे लेके जा रहे हैं, बेसिकली जो दाम था उसको हम लोग 3 महीना आगे लेके जा रहे हैं, कितना आ रहा बताइए, कितना आ रहा बताइए, हाँ 504.93 एकदम पूरा बेसिक टाइम वैल्यू मनी चल रहा है, ठीक है,
कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, पैसा को बस खाली आगे लेके जा रहे हैं, पैसा को बस खाली आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। ये हो गया एकदम बेसिक बेसिक प्लेन वनीला। मैंने बोला डेरिवेटिव सट्टा के लिए है, ठीक है। तीन टाइप का मार्केट पार्टिसिपेंट होता है डेरिवेटिव में। एक होता है, अब जैसे मान लो कल मैंने जो एग्जांपल लिया था, कल मैंने जो एग्जांपल लिया था, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब इस पेड़ के नीचे, ये पेड़ छोड़ो, यूके का बात करो, ठीक है, यूके का एक पेड़ है, ये यूके है, इसका एक पेड़ यहां पर है। तो पेड़ के नीचे कौन कौन इकट्ठा हो गया? इकट्ठा हो गया फार्मर, और इकट्ठा हो गया तुम्हारा बेकरी। बेकरी फॉर्म का कल एग्जांपल लिया था ना, फार्मर इकट्ठा हो गया और बेकरी भी इकट्ठा हो गया। अब बेसिकली फार्मर को क्या चीज का डर लग रहा है? हम जो वीट बनाएंगे उसका दाम कहीं गिर ना जाए। बेकरी को क्या चीज का डर लग रहा है? बढ़ ना जाए। तो इतना साल हो गया, अब जाके ये लोग सब एक पेड़ के नीचे मिला, ठीक है, डिसाइड किया कि तीन महीना के बाद में हम तुमको इतना केजी सप्लाई करेंगे। रेट फिक्स हुआ तो फार्मर क्या देगा बेकरी को? वीट, और ये इसको देगा मान लो 20 pounds, मान लो 20 pounds तीन महीना के बाद में, ठीक है ना, 20 pounds पर किलो का सोच लो, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पूरा है, अब यहां पर तो दोनों का एक्सपोजर है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ये क्यों एंटर किया? टू हेज, ठीक है। अब फार्मर का तादाद बहुत ज्यादा था, बेकरी उतना था नहीं, तो बहुत सारा फार्मर को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो भीड़ में जो और भी लोग गांव में जो है, वो लोग बोला हम करेंगे तुम्हारे साथ। फार्मर क्या कर रहा है? फार्मर कर रहा है एफ माइनस, यहां पर चाहिए एफ प्लस करने वाला। तो एफ प्लस जब तक कोई नहीं करेगा तब तक कोई एफ माइनस नहीं कर सकता है। भीड़ में से एक जन बोले हम करेंगे एफ प्लस। बोले क्यों? बोला मेरा इच्छा। हम बोले तुम्हारा एक्सपोजर है? बोला नहीं, मेरा इच्छा। उसको क्या लग रहा है? वो एफ प्लस क्यों कर रहा है? उसको लग रहा है 20 में आज हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 22-23 20.6 में, 20.7 में, 21 में हम जाके बेच देंगे। जो भी एफ प्लस कर रहा है किस माइंडसेट से कर रहा है? कि इस चीज का दाम बढ़ेगा, ठीक है ना। और एक चीज, जैसे मान लो ये एक यूके है, इसका ये एक पेड़ है, और दूसरा गांव में, दूसरा पेड़ में यही सेम डिस्कशन हो रहा था। एक जन तीन चार पे लगा रखा है, टॉम डिक एंड हैरी को लगा रखा है। वो टॉम डिक एंड हैरी का क्या काम है? वो इस पेड़ का नॉलेज लेगा, उस पेड़ में नॉलेज लेगा, और फिर कंपेयर करेगा, जहां पर सस्ता है वहां से खरीदेगा, जहां पर महंगा है वहां पर बेचेगा। सो तीन टाइप का हो गया, एक हो गया तुम्हारा आर्बिट्राजर, एक हो गया हजर, और एक हो गया तुम्हारा स्पेक्यूलेशन, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो चीज था, अब इसके बाद में, अब जैसे सोचो, डेरिवेटिव इज समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट। द अंडरलाइंग एसेट कैन बी बॉन्ड ऑल्सो, बॉन्ड में क्या होता है? फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड में क्या होता है? फिक्स इंटरेस्ट मिलता है ना। सो अब एक चीज सोचो कि एक बॉन्ड है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, और बॉन्ड का जो आज जो प्राइस है दैट इज 890, आज का जो प्राइस है दैट इज P0 इज 890। हर तुम ये समझ लो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको 9 महीने का कर दो, इसको तुम कर दो 9 महीने का, ठीक है ना, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, और हर 3 महीना में तुम्हारा कूपन मिलता है, हर 3 महीने में तुम्हारा कूपन मिलता है 1% ऑफ फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू मेरा हो जाएगा 1000, ठीक है। आरएफ जो मेरे को दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, यस, आरएफ जो मेरे को दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझो, बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है, स्पॉट प्राइस, अगर आज तुमको ये बॉन्ड खरीदना मार्केट में तो 890 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। 3 मंथ कूपन है, 1% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब हर 3 महीना में कितना रुपए का कूपन मिलेगा? 10 रुपए का। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 9 मंथ फ्यूचर्स का या फिर फॉरवर्ड का मेरे को प्राइसिंग करना है, मेरे को आरएफ दे दिया 5% का, ठीक है। पहले एक चीज सोचो, जो स्पॉट बाय करेगा ये बॉन्ड, उसको क्या मिलेगा? कूपन मिलेगा 3 महीना बाद, 6 महीना बाद, 9 महीना बाद, कितना कितना का कूपन मिलेगा? कितना कितना का कूपन मिलेगा? दिस इज 0, दिस इज 3 मंथ्स, दिस इज 6 मंथ्स, एंड दिस इज 9 मंथ्स। कितना कितना कूपन मिलेगा? 10, 10, और 10 का कूपन मिलेगा, राइट। सो जो बॉन्ड आज खरीद रहे कितना में? उधर देखने से कुछ नहीं होगा, इधर देखो, जो बॉन्ड आज खरीद रहे कितना में? 890 में।
अगर स्पॉट बाय किया, अगर स्पॉट बाय किया तो 3 महीने बाद कितना होगा 56, 6 महीने बाद 10, 9 महीने बाद 10। ये अगर फ्यूचर बाय करता है 9 महीने का तो 3 महीने बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं। 6 महीने बाद कुछ नहीं। 9 महीने बाद कुछ नहीं। तो इसको तुमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ना प्राइसिंग में, इसको तो हमको प्राइसिंग में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो वो इनकम जो फ्यूचर में एंटर करने के वजह से मेरे को मिलेगा ही नहीं तो उसको मैं माइनस करूंगा। वो इनकम जो फ्यूचर में एंटर करने के वजह से मेरे को मिलेगा ही नहीं उसको मैं माइनस करूंगा। कैसे माइनस करूंगा? ध्यान दो, अभी हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट इज व्हाट? 10 1.05 टू द पावर -3/12 +10 1.05 टू द पावर -6/12 +10 1.05 टू द पावर -9/12। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो 10 है 3 महीना के बाद में इसको यहां ला रहे हैं, इसको यहां पर ला रहे हैं और इसको यहां पर ला रहे हैं। एकदम बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है 1+i^-n। अक्यूमुलेशन फैक्टर होता है 1+i^n। 1/ अक्यूमुलेशन फैक्टर इज डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट। मेरी बात सुनो, आज जो बॉन्ड का दाम चल रहा है 890, आज जो बॉन्ड का दाम चल रहा है 890, अगर एकदम प्लेन वनीला होता, ये कूपन उपन का कोई चक्कर नहीं होता, तो उसको 9 महीना आगे लेके जाते। बट अब क्या करेंगे, जो बॉन्ड का आज का दाम है 890, उससे पहले ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट है इसको माइनस करेंगे। बेसिकली ये वो चीज है जो मेरे को मिलेगा और फिर उसको 9 महीना आगे लेके जाएंगे, उसको फिर 9 महीना आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना। सो पहले ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट हम लोग को निकालना है, पहले ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट हम लोग को निकालना है। कितना आ गया बताओ? क्योंकि ये जो प्राइस है 890 का, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये जो प्राइस है 890 का, इसमें ये वाला कूपन इंक्लूडेड है क्या? यस। ये वाला कूपन इंक्लूडेड है क्या? यस। ये वाला कूपन इंक्लूडेड है क्या? यस। ये जो प्राइस है 890 का, इसमें सारा का सारा कूपन इंक्लूडेड है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें सारा रिडेम्पशन सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कितना आ रहा है बताओ? हाँ, 29.27। सो इसके बाद में मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स दैट इन्वेस्टर इज गोइंग टू रिसीव, कितना आएगा? 890 माइनस कितना लॉस्ट हुआ? 29.27। सबका यही आ रहा है ना? 29.27, ठीक है। अब उसके बाद में 9 मंथ फ्यूचर डब्ल्यू फॉरवर्ड का प्राइस ये कितना आ रहा है बताओ? ऐसे कुछ सुनना आ रहा है? खाली बेसिक पहले पुल बैक कर रहे हैं। पुल बैक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो 3 महीना बाद है, तो जो पैसा 3 महीना बाद है उसको जीरो पे ला रहे हैं, जो पैसा 6 महीना बाद है उसको जीरो पे ला रहे हैं, जो पैसा 9 महीना बाद है उसको जीरो पे ला रहे हैं। ये 3 कूपन मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। बोलो कितना? ये वाला 860.73। अब मैं क्या करूंगा? 860.73 इंटू 1.05 है ना, टू दी पर 9/12। इसको आगे लेके जा रहे हैं, इसको आगे लेके जा रहे हैं। अब अगर अंडरलाइन बॉन्ड है तो फिक्स इनकम है, अंडरलाइन शेयर होगा और डिविडेंड पेइंग शेयर होगा तो डिविडेंड यील्ड आएगा। देखो कैसे, ये कितना आ रहा पहले बताइए। ये किसको नहीं समझाया प्लीज हाथ उठाओ, ये किसको नहीं समझाया प्लीज हाथ उठाओ। एकदम बेसिक चीज है, जो चीज मेरे को नहीं मिलेगा, मैंने तो बोला ना, इफ यू एंटर इनटू अ फॉरवर्ड ऑल द इनकम जो स्पॉट बाय में मिलता है वो फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा। तो जो मेरे को मिलेगा उसका पैसा मैं क्यों दू? जो पैसा मेरे को नहीं मिलेगा उसका पैसा मैं तुमको क्यों दू? ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? 892.81। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। उसके पहले एक चीज समझ लेना, डिविडेंड यील्ड इज व्हाट? डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर।
डिविडेंड यील्ड इज व्हाट, डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है ना। सो 200 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का डिविडेंड दिया, 200 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का डिविडेंड दिया, सो दिस इज व्हाट एमपीएस एंड दिस इज व्हाट डिविडेंड पर शेयर। सो डिविडेंड यील्ड क्या होगा बताओ पहले, 10/200 कितना आ रहा है बताओ, हाँ 5% आ रहा है। अभी हम लोग ये एजम्पशन लगा रहे हैं, हम लोग ये एजम्पशन लगा रहे हैं, एजम्पशन क्या लगा रहे हैं देखो, एजम्पशन क्या लगा रहे हैं देखो, डिविडेंड्स आर रिसीव्ड कंटिन्यूअसली एंड आर कंटिन्यूअसली reinvested in purchasing more shares। माने ये जो 5% जो मेरे को दिया है, ये जो 5% जो मेरे को दिया है ये कंटिन्यूअस दिया है, ये जो 5% जो मेरे को दिया है कंटिन्यूअस दिया है। इसको डेल्टा की तरह सोचो, इसको डेल्टा की तरह सोचो, मतलब इसको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग की तरह सोचो। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, मैंने यहां पर क्या बोला, डिविडेंड्स आर रिसीव्ड कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअसली री इन्वेस्टेड इन परचेसिंग मोर शेयर्स। यहां तक पहले चलो कॉपी कर लीजिए, यहां तक पहले चलो कॉपी कर लीजिए, यहां तक पहले चलो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखो ये टाइम जीरो है, यहां पर मैंने एक शेयर खरीदा, डिविडेंड पेइंग शेयर है, 5% का कंटिन्यूअस डिविडेंड डील है, ठीक है। तो एक साल के बाद में कितना नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, गलत, मैंने क्या बोला, डिविडेंड्स आर रिसीव्ड कंटिन्यूअसली एंड देर कंटिन्यूअसली री इन्वेस्टेड इन परचेसिंग मोर शेयर्स। तो एक साल के बाद में कितना शेयर हो जाएगा, e^0.05। क्यों, अक्यूमुलेशन फैक्टर जब डेल्टा होता है तो क्या होता है, e^(Δn) होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर जब डेल्टा होता है तो क्या होता है, e^-Δn। एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर व्हेन आई इज देयर इज 1+i, एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर व्हेन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इज देयर इज e^(Δ). दो साल के बाद में कितना शेयर हो जाएगा, पांच साल के बाद में, ठीक है, यही समझ लो। मैंने अगर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया होता, पांच साल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पांच साल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फाइव पे मेरे को कितना मिलेगा, एक शेयर मिलेगा, टाइम फाइव पे मेरे को कितना मिलेगा, एक शेयर मिलेगा। तो आज कितना शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें, आज इतना शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इतना नंबर ऑफ शेयर के लिए आज अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके मेरे को टाइम फाइव पे एक शेयर मिलेगा। चीज समझो, मैं बोला फॉरवर्ड में वो चीज जो मेरे को नहीं मिलेगा वो मैं क्यों इंक्लूड करूं। जब कॉन्ट्रैक्ट करने का बारी आया वो बोला आप एक शेयर का कॉन्ट्रैक्ट करिए, हम बोला पागल है क्या, हम एक शेयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम तुमसे टाइम फाइव पे लेंगे एक शेयर। बट आज हम कॉन्ट्रैक्ट कितना शेयर के लिए करेंगे, e^-0.05 × 5 नंबर ऑफ शेयर के लिए, बिकॉज ये धीरे धीरे करके डिविडेंड देगा, धीरे धीरे करके डिविडेंड देगा एंड ये फाइनली एक शेयर बनेगा। तो जो जो धीरे धीरे करके डिविडेंड देगा वो तो मेरे को नहीं मिलेगा, वो तो मेरे को नहीं मिलेगा, तो जो मेरे को नहीं मिलेगा उसके पैसे को क्यों दे, ठीक है। सो अल्टीमेटली मान लेते हैं इसमें जो आरएफ है वो 8% का है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, मतलब इसको डेल्टा की तरह सोच लो, ठीक है ना। तो अब एक बात सोचो, 200 रुपए का शेयर है, कितना नंबर ऑफ शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये तो ये क्या हुआ बेसिकली, जिस नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो ये आज का हुआ ना। अब इसको पांच साल आगे लेके जाएंगे ये रेट पे, तो क्या होगा, इंटू e^0.08 × 5, ठीक है। वहां पर मैं क्या किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं पहले ये निकाला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले मैं ये निकाला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट। बट यहां पर कोई कॉन्स्टेंट टाइम्स पे कॉन्स्टेंट अमाउंट का इनकम नहीं है, वो बॉन्ड में होता है। शेयर में क्या होता है, डिविडेंड कभी भी दे सकता है, डिविडेंड कभी भी दे सकता है। डिविडेंड से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है।
अब जैसे देखो यहां पर मैं क्या बोला, डिविडेंड्स आर रिसीव कंटिन्यूअसली एंड देर कंटिन्यूअसली री इन्वेस्टेड, बट एक्चुअल में क्या होता है मार्केट में देखना, एक्चुअल में क्या होता है मार्केट में, जैसे मान लो ये जीरो है और ये वन है, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड डेट है, ये कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है, वो दिन, उस दिन कंपनी के बुक्स में जो जो शेयर है, सो मच, उस दिन कंपनी के बुक्स में जो जो शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। उस दिन कंपनी के बुक्स, जैसे मान लो हम यहां पर शेयर खरीदा, हम यहां बेच दिया, फिर यहां मेरे से कोई खरीदा वो यहां बेच दिया, फिर यहां से कोई खरीदा वो यहां बेच दिया, तो अल्टीमेटली ऐसे करके एक साल में एक शेयर बहुत बार एक्सचेंज करते हैं, लोग हजारों के वॉल्यूम में शेयर ट्रेडिंग करते हैं, दो दिन तीन दिन पांच दिन बाद बेच देते हैं, तो कंपनी ऐसे क्या खोजेगा, जो पांच दिन के लिए होल्ड किया उसको पांच दिन का डिविडेंड, जो छह दिन के लिए होल्ड किया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो एक रिकॉर्ड डेट फिक्स होता है, अब इस दिन जो जो कंपनी के बुक्स में शेयर होल्डर है उसी को डिविडेंड मिलेगा, और इस रिकॉर्ड डेट के ठीक थोड़ा टाइम पहले कंपनी अनाउंसमेंट क्या कर देता है कि भाई इस तारीख को जो जो मेरे बुक्स में रहेगा शेयर होल्डर उसको हम डिविडेंड देंगे। अनाउंसमेंट के बाद ही कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाता है। पहला बात तो क्यों ऊपर जाता है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड अनाउंस किया है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, तो लोग बोलते हैं जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज है वो मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, जहां आज के दिन पर 100 में 99 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं वहां पर कंपनी डिविडेंड दे रहा है, क्योंकि इतना अच्छा बात है ये, ठीक है ना। सो बेसिकली ये रिकॉर्ड डेट फिक्स हो जाता है, तो इस रिकॉर्ड डेट को जो भी कंपनी के बुक्स में शेयर होल्डर है उसी को डिविडेंड मिलता है, बाकी किसी को डिविडेंड नहीं मिलता है। अब जैसे मान लो कोई क्या करेगा, वो अगर यहां पर शेयर खरीद लेता है, वो सोचता है कि भाई हम दो दिन के लिए रखेंगे, फिर यहां पर मैं अपना शेयर बेच दूंगा, यहां पर हम कंपनी के बुक्स में शेयर होल्डर हो गया। मान लेते ये रिकॉर्ड डेट है, अभी आज कितना तारीख है, 29, तुम जैसे मान लो आज खरीदा, ठीक है, जैसे मान लो रिकॉर्ड डेट है दो दिन बाद, 30-31 को रिकॉर्ड डेट, आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे को रिकॉर्ड डेट है, तो तुम आज बाय कर लिया, फ्राइडे को तुम्हारा डीमैट में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या किया, फ्राइडे को रखा और फिर तुम मंडे को बेच दिया, तुमको क्या लगा कि तुम फ्राइडे को कंपनी का शेयर रखा है, ठीक है। कंपनी क्या किया, 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, तुम यहां बाय किया 200 में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, यहां पर ये जो रिकॉर्ड डेट वाले दिन तो सब लोग रखा। अब जैसी तुम मंडे को शेयर को बेचने जाएगा ना, तो मंडे को शेयर को बेचने जाएगा तो देखिएगा शेयर ट्रेड हो रहा है 190 पे। यहां तक था कम डिविडेंड, अब यहां पर हो गया एक्स डिविडेंड, समझिए। अब कंपनी का शेयर प्राइस में वो डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है। सो एक दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, मैं दिखा दूंगा तुम लोग को। मैंने जिस दिन कंपनी का शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड होता है तो जो भी डिविडेंड का इंपैक्ट है वो शेयर प्राइस में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये था अब इधर इस क्वेश्चन में, तो यहां पर बेसिकली फॉर्मूला क्या बन रहा है, S0 e to the power minus dt, मतलब d इज द कंटिन्यूअस डिविडेंड यील्ड, e to the power delta t, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड का प्राइस। टाइप का प्राइसिंग होता है, एक बेसिक, एक फिक्स इनकम और एक डिविडेंड वाला, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो देख लो कैसा टाइप का क्वेश्चन आया था, येलो हो गया ना कॉपी, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान देना, बोला 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पे मिल रहा है, जैसे बेसिकली क्या बोल रहा है, 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स पे, ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा है, बोलता है 5% का डिविडेंड यील्ड है 2 मंथ्स पे, 5% का डिविडेंड यील्ड है 4 मंथ्स पे,
चीज समझो, बोल रहा 5% का डिविडेंड यील्ड है 2 मंथ्स पे एंड 4 मंथ्स पे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है, डीपीएस बाय एमपीएस, डीपीएस बाय एमपीएस होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आई इधर ध्यान दो, 5% का मतलब क्या होता है 0.05। मान लो मार्केट प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, सो ऊपर में आएगा डिविडेंड पर शेयर, नीचे में आएगा 100, मतलब डिविडेंड कितना रुपए का दिया, 5 रुपया। तो अगर मान लो एक शेयर का दाम 100 रुपया है तो तुम कितना शेयर्स खरीद पाएगा आफ्टर 2 मंथ्स, एक शेयर का दाम अगर 100 रुपया है तो तुम कितना शेयर्स खरीद पाएगा एट टाइम 2 मंथ्स, 0.05 शेयर्स, 0.05 शेयर्स। यहां पर अगर तुम एक शेयर लेके बैठा है तो 2 महीना में तुम्हारा कितना शेयर हो जाएगा, 4 महीना पे कितना शेयर हो जाएगा, यहां पर कितना शेयर होगा स्क्वायर, यही बोला है ना, 6 महीना पे त्रिविंद बोला नहीं है, 2 महीना पे बोला है, 4 महीना पे बोला है, ये क्वेश्चन है एग्जाम में, बोला जो मार्केट प्राइस है 2 महीना पे और 8 महीना बोला था कि 4 महीना बोला था याद नहीं आ रहा है, बोला जो मार्केट प्राइस है 2 महीना पे और 4 महीना पे उसका 5% डिविडेंड देंगे, समझा। तो 5% डिविडेंड मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है जितना शेयर्स है उसमें 5% ऐड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स पे, समझा। ये तो स्पॉट बाय हो गया, ये तो स्पॉट बाय हो गया। अब फॉरवर्ड बाय के बारे में सोचो, यहां पर तुम्हारे पास 1.05 टू द पावर स्क्वायर शेयर्स है, यहां पर तुम्हारे पास 1.05 टू द पावर 2 शेयर्स है, ये तो स्पॉट बाय का है ना। फॉरवर्ड में क्या होगा, यहां तुमको कितना शेयर मिलेगा 1, तो आज तुम कॉन्ट्रैक्ट कितना के लिए करेगा, तो हमेशा जरूरी नहीं कंटिन्यूअस में हो, ऐसा डिस्क्रीट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर तुम कितना शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं तुम्हारा शेयर का दाम है 100 रुपया, ठीक है ना, सो 100 × 1.05 टू दी पर -2, मान लेते तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का, सो 1.09 टू दी पर -1.09 टू दी पावर, समझ रहे ना, बेसिकली बेसिक चीज समझ लो, ये प्राइसिंग था अभी तक, ये प्राइसिंग कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है। सुनो, M2M, मार्क टू मार्केट, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आईटीसी पे स्पॉट चल रहा है 500, ठीक है, 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस आया मान लो 530, ठीक है, 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस है 530, मैंने किया है एफ प्लस, ठीक है, 2 महीना के बाद में, ठीक है, यहां पर तुम्हारा स्पॉट चल रहा था 500 एंड फॉरवर्ड का दाम था 530, यहां पर तुम्हारा दाम हो गया 600, यहां तुम्हारा 2 महीना हो गया ना 618 समझ लो, ठीक है। तो जो चीज मैंने कितना में बाई किया, 530 में, इसका दाम कितना हो गया 618,
इससे क्या समझ आता है, धीरे धीरे करके क्या होगा ना, जो 30 रुपए का जो गैप है, एक महीना बाद जैसे देखो 6 महीना है तो 30 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 5 होता है ना, मोटा मोटी रफली 5 होता है। ये 5 क्या है, ब्याज का कॉस्ट है, पर मंथ ब्याज का कॉस्ट है ना। तो एक महीना बाद जो डिफरेंस होगा स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच में वो थोड़ा कम होगा, 5-6 रुपए से कम होगा। फिर 2 महीना बाद जो स्पॉट और फॉरवर्ड का वो और 5-6 रुपए से कम होगा। तो रफली मैंने 12 रुपए कम कर दिया यहां पर 2 महीना के बाद में। मेरे को डर लग रहा है, मान लो सीसीपी वगैरह कुछ भी नहीं, हम लोग है 2000 में, मेरे को डर लग रहा है कि सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा। हम बोला छोड़ हटा, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, निकलते हैं, मैच्योरिटी तो क्यों वेट करना, अभी निकलते हैं। तो जिस दाम में काटेंगे, ये जो 618 जो है, बेसिकली एक तरीके से जो चीज 530 में बाई किया था, आज वो चीज हम कितना में बेचेंगे, 618 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बोलो, हाँ 88 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना। हम सामने वालों को फोन मिलाया, हम बोला भाई देख 88 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 महीने के बाद फोन मिलाया, हम 2 महीने पे खड़ा है, हम 2 महीने बाद फोन मिलाया, हम बोला भाई देख 88 का प्रॉफिट हो रहा है, तुम दे दे मेरे को। हमको डर लग रहा है कि आगे जाके पैसा तुम देगा नहीं देगा, कोई क्वेश्चन वगैरह का चक्कर नहीं है, तुम दे दे। तो जिस भाव में काटा, जिस भाव में काटा उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट स्क्वायर ऑफ। बट ये हो कब रहा है, 2 महीना बाद। हम एंटीसिपेट किए कि 2 महीना बाद ऐसा होगा, तो आज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या होगा बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या होगा बोलो, 88 ई टू दी पावर माइनस डेल्टा इंटू 2/12। जो 2 महीने बाद मेरा एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है उसको हम आज प्रेजेंट वैल्यू में निकाल रहे हैं। एक से रुको, कुछ कॉपी मत करो, रुक जाओ, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, यही एग्जांपल ले लो, यही एग्जांपल ले लो। अब ये जो 6 मंथ फॉरवर्ड है, मान लेते हैं तुम्हारा जो आरएफ है वो है तुम्हारा 6 मंथ का, आरएफ जो है 6 मंथ का है तुम्हारा 6% है, 6 मंथ का जो है वो तुम्हारा 6% है, ठीक है। सो 500 इंटू 1.06 कितना होता है ये बताओ, हाँ 530 आ रहा है ना, ठीक है। सो ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, दिस इज माय F0, F0 इज व्हाट 530, और यहां पर मैं F प्लस कर लिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 महीना के बाद में, आफ्टर 2 मंथ्स, सो 2 महीना के बाद में क्या हो रहा है, 2 मंथ्स आफ्टर क्या हुआ, स्पॉट का जो दाम है वो तुम्हारा हो गया 600 रुपया, ठीक है। स्पॉट का जो दाम है वो तुम्हारा हो गया 600 रुपया। सो वो क्या था, F0 था, F0 या फिर K0। अभी आज जो मैं निकालूंगा वो क्या होगा, F2 मंथ्स। सो F2 मंथ्स क्या आएगा, 600 इंटू 1.0 कितना परसेंट था, 6% था क्या। तो अभी जो मैं निकाल रहा हूं, दिस इज 1.06 टू दी पावर 4/6 इज द करेक्ट आंसर। कौन बोला 4/6, क्यों, 2 महीना हो चुका है, 4 महीना आगे लेके जाना है ना, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, टाइम 0 से देखा जाए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। अब जब 2 महीना बीत गया तो और कितना महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 4 महीना, इसका प्राइस निकालो कितना आ रहा है, 6, यही आ रहा है क्या, हाँ ये बार चेक करो, ये आ रहा ना, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने बोला कि F0 मंथ्स है 530, NF2 मंथ्स है 623, बट ये चीज F2 मंथ्स का मतलब क्या है, आज से ठीक, मैं खड़ा हूं 2 महीने पे, आज से ठीक 4 महीना के बाद में अगर मेरा इच्छा हो, सॉरी आज से ठीक 4 महीना के बाद में अगर मान लो हम यहां पर एफ माइनस करते हैं, यहां पर तो मेरा एफ प्लस किया है ना, तो जो किए उसका उल्टा करेंगे तो स्क्वायर ऑफ होगा, जो किए उसका उल्टा करेंगे तो स्क्वायर ऑफ होगा। तो 623.77 में एफ माइनस किए, इसका मतलब क्या है, आज से ठीक 4 महीना के बाद में, बिकॉज रिमेनिंग मेच्योरिटी कितना है, 4 महीना, आज से ठीक 4 महीना के बाद में हम तुमको ये शेयर आईटीसी का एक शेयर कितना में बेचेगा, 623.77 पे बेचेगा। F0 530 में जो F प्लस किसका मतलब क्या है,
आज से ठीक 6 महीना के बाद में यहां पर मैच्योरिटी कितना टाइम बाद है? 6 मंथ्स. यहां पर कितना है? 4 मंथ्स. ठीक है ना. आज से ठीक 6 महीना के बाद में हम तुमसे ये शेयर कितना में खरीदेगा? 530 में. ठीक है ना. और हम एफ माइनस कर दिए इस पे. इसका मतलब कि आज से ठीक, बोलो ना, आज से ठीक 4 महीना के बाद में, आज मतलब कब? 2 महीना पे खड़े हैं, टाइम 2 मंथ्स पे खड़े हैं. हम तुमको ये शेयर कितना में बेचेगा? तो आज हम टाइम 2 पे खड़ा है, हम टाइम 2 पे खड़ा है, मतलब 2 महीना के बाद हम खड़ा है. तो आज से 4 महीना के बाद में कितना प्रॉफिट रियलाइज होगा? 623.77 माइनस 530, बताओ कितना आ रहा है? आज से ठीक 4 महीना के बाद में कितना प्रॉफिट रियलाइज होगा? 93.77 आ रहा है. तो ये 4 महीना बाद का है ना, टान लो, टान लो. टानेंगे कैसे? ई टू दी पर माइनस 0.06 इंटू 4/6. नहीं देखो, ये जीरो है, यहां पर एफ प्लस के कितना में? 530 में. 2 महीना के बाद में मैंने जो प्राइस ही निकाला, यहां पर एफ माइनस कर रहे 623.77 पे. इसका मतलब क्या है? आज से ठीक 6 महीना के बाद में हम तुमसे शेयर खरीदेगा कितना में? 530 में. इसका मतलब क्या है? आज से ठीक 4 महीना के बाद में हम तुमको ये शेयर बेचेगा कितना में? 623.77 पे. तो मैच्योरिटी पे क्या होगा? शेयर खरीदेंगे कितना में? 530 में. बेचेंगे कितना में? ठीक है, तो मेरा यहां पर रियलाइज प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 93. ये जो है 93.77 है. अब मैं कहां खड़ा हूं? मैं यहां पर खड़ा हूं. तो ये प्रॉफिट कब होगा मेरे को? यहां होगा. तो इसको 4 महीना पुल बैक करो. इसको 4 महीना पुल बैक कैसे करेंगे? 4 महीने का डिस्काउंटिंग फैक्टर. अच्छा, यहां पर मैंने ई कर दिया है क्या? ठीक है, एक ही बात है. ये होगा तुम्हारा 1.06 टू द पावर माइनस 4/6, या फिर यहां पर होगा 1.06 टू द पावर माइनस 4/6. बताओ कितना आता है? जो प्रॉफिट 4 महीना बाद होगा उसको मैं आज पुल बैक कर लिया. हाँ, ठीक है. हाँ, सो वैल्यू ऑफ अ लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ अ लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? के आर माइनस के जीरो ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस आर. देखो कैसे हो रहा है, ये जीरो है, ये आर है और ये टी है. तो ये कितना है? ठीक है ना. सो के आर मतलब यहां का हो गया फॉरवर्ड प्राइस, के जीरो मतलब यहां का हो गया, बट दोनों का रियलाइजेशन यहां पर होगा. इसलिए के आर माइनस के जीरो. क्योंकि कोई भी चीज अगर बाय करेंगे तो महंगा सेल करने का ख्वाहिश से, कोई भी चीज सेल करेंगे तो सस्ता बाय करने का ख्वाहिश से. इसलिए के आर माइनस के जीरो ई टू दी पर माइनस डेल्टा मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना टाइम पीरियड के लिए? टी माइनस आर. एंड वी एल इज माइनस ऑफ वी एस. लॉन्ग जितना पाएगा शॉर्ट उतना ही खोएगा, लॉन्ग जितना पाएगा शॉर्ट उतना ही खोएगा. लॉन्ग जितना पाएगा शॉर्ट उतना ही खोएगा ना. सो लॉन्ग अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा 50 रुपया, तो शॉर्ट ही सही तो लेगा ना. दो पार्टी है लॉन्ग शॉर्ट, एक जो एफ प्लस किया एक जो एफ माइनस किया. अगर एफ प्लस को मिल रहा है पैसा तो कौन दे रहा है पैसा? एफ माइनस.
आज कौन कौन नहीं आया क्लास में? मेहुल और एक एग्जांपल देखो, तो वन ईयर फॉरवर्ड का क्या होगा प्राइस? कितना आता है ये? 525 है ना, 3 डेज का फॉरवर्ड है, सेम सब कुछ, स्ट्रक्चरिंग सेम है। कितना आता है ये बताओ? यही तो होगा, 5% का इंटरेस्ट रेट है तो 3 दिन आगे लेके जाएंगे, 3/365 बोलो, 500.2। एक बात बोले, जब टाइम ज्यादा था तो गैप बहुत ज्यादा था, 2500 का गैप था, जब टाइम कम है तो गैप एकदम कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं एट मैच्योरिटी एफ इज इक्वल टू एस। मैच्योरिटी वाले दिन तो ब्याज का कॉस्ट एकदम नेग्लिजिबल होगा। चीज समझो, मान लो महीना का लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है, ठीक है, महीना का जो स्टॉक फ्यूचर्स होता है, महीना का लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है, ठीक है, तो थर्सडे को, मान लो आज ही एक्सपायरी है, तो आज अगर आईटीसी का शेयर चल रहा है स्पॉट 500, तो फ्यूचर का दाम कितना चलेगा? 500 पॉइंट समथिंग। अब तो 3-4 घंटा ही बचा है, ठीक है ना। सो एट मैच्योरिटी एफ इज एस। एंड एक और चीज इसके साथ, जो मैं पिछले वाला स्लाइड में बोलना भूल गया, यहां पर K0 है, हाँ, बाय किया तुम आज, मान लेते फॉरवर्ड का दाम चला गया 600 रुपया, 600 में बाय किया, 1 घंटा बाद ही तुम बेच दिया, मान लेते शेयर में उतना मूवमेंट नहीं हुआ, वो वहीं पर है, तो जब तुम बेचा होगा तो दाम कितना होगा? मोटा मोटी 600 है ना, तो वैल्यू क्या निकाला? 0। नोट में लिख देना, वैल्यू, वैल्यू मतलब समझ गया, वैल्यू मतलब मार्क टू मार्केट स्क्वायर ऑफ, ये सब मतलब सेम ही है। सो वैल्यू एट टाइम 0 इज 0, मतलब आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया तो क्या कमाया? कुछ नहीं, अनलेस एंड इट इज अंडरलाइन में मूवमेंट हुआ है। तुम 500 में खरीदा, शेयर बढ़ा 10 रुपए से, तुम्हारा फॉरवर्ड फ्यूचर भी 10 रुपए से बढ़ा होगा, तब समझ में आता है, बट शेयर बढ़ा कुछ भी नहीं। सो वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज 0 टू स्टार्ट विथ। तुम अभी खरीदा, तुम तुरंत स्क्वायर ऑफ कर दिया तो कुछ उससे फायदा नहीं होगा। सो वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज 0 टू स्टार्ट विथ, ठीक है ना। तुम एम टू एम में काटा, बात अलग है, तुम लिया सुबह 9 बजे, 9:15 पे मार्केट खुला, तुम 9:15 पे ले लिया, एक लॉट फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है, एक लॉट बाय कर लिया, शेयर प्राइस बढ़ गया तुम्हारा 10 रुपए से, मान लो 1000 का लॉट था तो 10 × 1000 10 दिन का प्रॉफिट हुआ, तुम काट दिया आधा घंटा में, वो बात अलग हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, शेयर प्राइस मूव ही नहीं किया, तो अगर शेयर प्राइस मूव नहीं किया, तुम 1 घंटा बाद उसको बेच रहे तो कुछ फायदा नहीं हुआ तुमको, ठीक है। 1 घंटा का ब्याज का कितना होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया प्राइसिंग, ठीक है ना, ये हमने फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर का प्राइसिंग कंप्लीट किया है, बहुत सिंपल है। कल वाला मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। जैसे अब देखो, जो फॉरवर्ड होगा उसमें क्या होगा, जो स्पॉट है वो है ना, इसमें ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, क्योंकि फॉरवर्ड में तो नहीं लग रहा है ना, तो स्पॉट में ऐड करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट। उसके बाद बोलो और क्या क्या था, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करें क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो फॉरवर्ड में नहीं लग रहा, तो एडवांटेज है। डिविडेंड क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनकम लॉस्ट, ठीक है ना, अभी लिखो मत, एक मिनट रुक जाओ, माइनस क्या करेंगे, इनकम लॉस्ट, क्यों क्यों, क्योंकि स्पॉट में मिल रहा है और फॉरवर्ड में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कन्वीनियंस यील्ड प्लस या माइनस, सोचो ना, कन्वीनियंस यील्ड क्या होता है, माइनस करेंगे, एक्सीलेंट,
माइनस करेंगे हम लोग कन्वीनियंस यील्ड, क्यों? स्पॉट में मिल रहा है, फॉरवर्ड में नहीं मिल रहा है। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट ऐड करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, ऐड क्यों करेंगे? स्पॉट में लग रहा है, फॉरवर्ड में नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो बेसिकली होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। इंटरेस्ट कॉस्ट फॉरवर्ड में नहीं लग रहा है, इनकम फॉरवर्ड में नहीं मिल रहा है, कन्वीनियंस यील्ड फॉरवर्ड में नहीं मिल रहा है, स्टोरेज फॉरवर्ड में नहीं लग रहा है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं कन्वीनियंस यील्ड का, जैसे मान लो मेरे पास बुक्स था, हम बच्चा को दे दिए, बट मेरा पॉलिसी में क्या, अगर बुक्स मेरे पास नहीं रहेगा तो हम बच्चा के घर तक पहुंचाएंगे, बच्चा दुबई से आया था, ठीक है, तो मेरे पास बुक्स नहीं था, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा दुबई तक भेजने का, तो उतना सा बुक्स का लग जाएगा 3,000 रुपया, तो दिस इज कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है ना। स्पॉट में है तो बढ़िया है, ये तो कॉपी हो गया सबका, हाँ आओ आगे बढ़ा जाए जीवन में, ठीक है। हम क्या बोले, क्लास में इतने सारे लोग हैं, सिर्फ 6-7 लोग ही फ्यूचर में पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है, बाकी लोग को हम घेरा में कैसे लिए, हम क्या बोले, हम बोले एक काम करो, तुमको नीचे तरफ से डर है, तुमको डाउन साइड से डर है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अप साइड पूरा तुम एंजॉय करो, डाउन साइड में तुम्हारा रिस्क इज लिमिटेड, दिस इज द कॉल ऑप्शन, ठीक है ना। सो बेसिकली आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास को पे ऑफ डायग्राम से, पे ऑफ डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले कॉल बाय का सोचना, ठीक है, कॉल बाय का सोचना, मैं एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, एक समझ में आएगा मतलब बाकी सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर मैं माप रहा हूं शेयर का प्राइस, और यहां पर मैं माप रहा हूं पे ऑफ, ठीक है ना, ये है मेरा स्ट्राइक प्राइस। तो कॉल ऑप्शन क्या बोलता है, अगर मेरा इच्छा होगा तो हम तुमसे ये शेयर एक महीना बाद, दो महीना बाद, तीन महीना बाद, इतना में बाय करेंगे, वरना हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। कॉल का और एक मतलब जो होता है बेटिंग की तरफ से, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, क्यों, क्योंकि हम कॉल ऑप्शन बाय किया है, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, किसका किसका डिफरेंस, जो शेयर प्राइस है एंड जो स्ट्राइक प्राइस है के का, जो शेयर प्राइस है और जो स्ट्राइक प्राइस है, सोचो, सोच के देखो, स्ट्राइक प्राइस फिक्स हुआ 500, मैच्योरिटी पे शेयर प्राइस हो गया 510, तो कितना रुपए का पे ऑफ, 10 रुपया, मैच्योरिटी पे शेयर प्राइस हो गया 490 लैप्स, क्योंकि जो चीज मार्केट में 490 में मिलेगा वो हम तुमसे 500 में क्यों खरीदेंगे, 480 लैप्स, 470 लैप्स, 520 20 रुपए का पे ऑफ, 530 30 रुपए का पे ऑफ, तो इसका जो पे ऑफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इसका पे ऑफ ऐसा बनेगा, बिकॉज के पहले लैप्स है, के से 1 रुपए आगे गया तो 1 रुपए का पे ऑफ, 2 रुपए तो 2 रुपए, 3 रुपए तो 3 रुपए, 4 रुपए तो 4 रुपया, दिस कॉल बाय का पे ऑफ, कॉल बाय का पे ऑफ, ठीक है ना। अब देखो ये एरो ऊपर की तरफ में है तो सबको यही लगता है, खोने को तो कुछ भी नहीं है, पाने को क्या है, पूरा आसमान, बट ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन इज अ वोलेटिलिटी गेम, ठीक है ना, लोगों को ऐसा ही लगता है जो बाय करके खेलता है एकदम तूफान आ जाए मार्केट में, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। आज जैसे मान लो इंडिगो 4,000 रुपए चल रहा है, तो हम सोचेंगे आज हम ऑप्शन बाय कर लेते हैं, एक हफ्ता में इंडिगो 1,000 रुपए बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम सर्कमस्टेंस में ऐसा होता है, ठीक है ना। कितना बढ़ेगा एक हफ्ता में, 100, 150, 200, अल्टीमेटली वो जो तुम प्रीमियम देगा और जो तुमको पे ऑफ आएगा मोटा मोटी वो ऑफसेट ही हो जाता है। तो बाय करके तुम लाइफ में बहुत कम लोग को देखा होगा जो लोग कमाते हैं। सर मेरे बिल्डिंग में एक भैया है, वो बोले वो ऑप्शन में करोड़ों रुपए छापे, झूठ बोलता है, नहीं भैया वो कमाए हैं, वो अपना रिपोर्ट भी दिखाए हैं, तो फिर उसका अबव एवरेज स्किल होगा, बट वो अबव एवरेज स्किल 10 लाख में एक का होता है, 10 लाख में एक का होता है वो स्किल, ठीक है। तो पहला
पैसा तभी बनता है जब तुम पैसा लगाता है। बाइंग में क्या होता है, खाली तुमको प्रीमियम देना होता है, 25 रुपए 30 रुपए प्रीमियम है, ठीक है ना। बाइंग में क्या होता है, 30 रुपए का प्रीमियम है, 50 का लॉट है, तो तुमको कितना रुपए प्रीमियम देना पड़ा, 1500। तुम सोच रहे 1500 रुपए दे के तुम 2 दिन में 1500 रुपए ही कमा लेगा, मतलब 2 दिन में 100% रिटर्न, समझ रहे। सेलिंग में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए तुमको 2 लाख रुपए का रफली मार्जिन चाहिए होता है, ठीक है ना। तब समझ में आता है तुम 2 लाख रुपए लगाया है, समझ रहे, उससे तुम सोचा कि हाँ भाई हम 1% का रिटर्न बनाएंगे 1 महीना में 15 दिन में, तो वो चीज समझ में आता है, समझा। तो ये डिफरेंस है, ये कॉपी हो गया। आइए अब एक समझ में आ गया ना, अब हम लोग कर रहे हैं सी माइनस का। सी माइनस में क्या होगा, अच्छा ये एक डायग्राम मैंने गलत बना दिया, एक मिनट। सी माइनस में क्या होगा, सी माइनस में क्या होगा, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, ठीक है ना। 1 रुपया बढ़ा, ये स्ट्राइक है, 1 रुपया बढ़ा मतलब 1 रुपया गया, 2 रुपया बढ़ा मतलब 2 रुपया गया, 3 रुपया बढ़ा मतलब 3 रुपया गया, दिस इज सी माइनस। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक। इसके बाद पी प्लस, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, ये मेरा स्ट्राइक है, अब नीचे जा रहा है तो पैसा आ रहा है, 500 का स्ट्राइक है, 1 रुपया नीचे गया तो 1 रुपया आया, 2 रुपये नीचे गया तो 2 रुपया आया, 10 रुपये नीचे गया तो 10 रुपये आया, एंड सो ऑन। शेयर प्राइस 0 हो गया, तुम पूरा का पूरा पैसा ले गया, ये कहां पर टच करेगा बोले, एसटी पे। हाँ हाँ, एसटी पे टच नहीं करेगा, सॉरी एसटी पे टच नहीं करेगा, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा ना, तो ये टच करेगा के पे। मान लो तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस जो है वो 500 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है पुट में, 500। ठीक है, बोलो सब लोग ठीक है। हुआ यहां तक, ठीक है ना। बट ये ठीक है, ये तो प्रीलिम है, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहां तक हो गया। एक्चुअल में एक केस सोचो, माइनस, पहले तो ये सोचो होता क्या है,
पहले थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ P माइनस क्या होता है। चलो पीछे से चालू करेंगे, प्राची से। P माइनस बताओ क्या होता है। वेरी गुड। क्या मतलब क्या? पुट साइड मतलब क्या? डाउन साइड मतलब क्या? पुट सेल का मतलब क्या होता है? राइट टू सेल, बेच दिया। राइट टू सेल बेच दिया का मतलब क्या है? अगर सामने वाले का इच्छा होगा तो वो अपना शेयर मेरे को बेचेगा, उसका हक है, क्योंकि वो प्रीमियम मेरे को दिया है, जो प्रीमियम हम खाए हैं उसका हक। लेकिन मेरा क्या? ऑब्लिगेशन। अगर सामने वाला चाहेगा तो मेरे को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अब एक चीज सोचो, ये तो P माइनस था, ठीक है। अब वापस से चालू करते हैं प्रॉफिट डायग्राम्स, ठीक है। प्रॉफिट डायग्राम्स, सबसे पहले C प्लस का सोचो। अब जैसे देखो ये कैसे होगा, पता है? यहां से ऐसे चालू होगा, ये स्ट्राइक है, अब यहां से उठेगा और ऐसे जाएगा, क्योंकि अगर लैप्स हो गया तो जो प्रीमियम दे दिए वो तो गया। अगर मान लेते हैं के है 500, मतलब स्ट्राइक प्राइस है 500, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 10 रुपया, और मैच्योरिटी पे तुम्हारा जो एसटी है वो है 510, ठीक है ना। सो ये तो तुम्हारा हो गया 500 और ये तुम्हारा हो गया 510। हाँ, मैच्योरिटी पे शेयर प्राइस, मैच्योरिटी पे शेयर प्राइस, तो 510 में क्या होगा? पे ऑफ 10, तुम 10 रुपए का प्रीमियम दिया तो नेट नेट क्या हो गया? जीरो। यही चीज अगर C माइनस का होता तो C माइनस वाले का क्या होता? सुनना रहा ना? यही चीज अगर P प्लस का होता P प्लस है बोलो क्या होगा? हाँ, है ना। और यही चीज अगर P माइनस के केस में क्या होगा? ठीक है, बोलो। ऑनलाइन में यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो बताओ, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आओ, स्ट्राइक प्राइस है 500,
मैंने C प्लस किया एंड साइमल्टेनियसली P प्लस किया है। कॉल का मैंने प्रीमियम दिया है 10 रुपया, फुट का मैंने प्रीमियम दिया है 15 रुपया। मेरा जो स्पॉट चल रहा है 500 चल रहा है, ठीक है। प्राइस लेवल्स देख लो, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650। मैच्योरिटी का ये प्राइस लेवल्स है, ठीक है ना। सबसे पहले सी प्लस का पे ऑफ, सी प्लस का पे ऑफ का बात करेंगे, मैं जिसको बोलूंगा वही जवाब देगा। फिर उसके बाद पी प्लस का पे ऑफ, फिर उसके बाद प्रीमियम पेड, और फिर उसके बाद आएगा प्रॉफिट, ठीक है। यस, तुम बोल। सी प्लस का बता पहले, छोड़ दे, तुम बोलो। लैप्स, 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 क्यों ऐसा? मैंने बोला था ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, तो 500 के ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा। 550 में 50, 600 में 100, 650 में 150, ठीक है। अब तुम बोल, पुट का बोल। ट्राई कर, 150, 100, 50, लैप्स, लैप्स। नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, मैंने 500 के नीचे जाने से डिफरेंस आएगा। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन सोचो, राइट टू सेल, जो चीज मार्केट में 350 में बिक रहा है वो हम तुमको 500 में बेच के लाभ उठाएंगे, लेकिन जो चीज मार्केट में 650 का बिक रहा है वो हम तुमको 500 का क्यों बेचे? इसलिए राइट टू सेल। टोटल प्रीमियम कितना दिए, ठीक है ना, सब में यही आएगा। अब बताओ टोटल प्रॉफिट बताओ, बोलो। 125, 75, 25, लॉस 25, एक्सीलेंट, 25, 75, हाँ। इस समय किसको डाउट हुआ बोलो, ये समय में देखो, इन पी प्लस के विल बी बिफोर और आफ्टर द क्रॉसिंग लाइन, के स्ट्राइक प्राइस होता है बेटा, जहां से वो ग्राफ मोड़ ले रहा है वो के है, जहां से वो ग्राफ मोड़ ले रहा है वो के है। देखो ये ठीक है ना, एक और सम समझ लो, बैंक निफ्टी, देखो तो बैंक निफ्टी कितना चल रहा है स्पॉट, देख के बताओ। फोर एट सिक्स जीरो सिक्स है ना, तो 48,600 मान ले, ठीक है। मैंने किया है सी प्लस एट द रेट, सी प्लस एट द रेट 49,500, पी प्लस एट द रेट 47,500, ठीक है। इसका मैंने प्रीमियम दिया 100 रुपया, इसका मैंने प्रीमियम दिया 150 रुपया। प्राइस लेवल्स देख लो, प्राइस लेवल्स देख लो, 47,000, 47,500, 48,000, 48,500, 49,000,
49,500, 50,000, ठीक है। अब हमने किया है C प्लस, स्ट्राइक है मेरा 49,500, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब चलो चालू करते हैं, तुम बोल, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, बोल। लैप्स 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 साइड हो गया, लैप्स 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 500, ठीक है। नेक्स्ट टी प्लस जो किए हैं एट द रेट के इज 47,500, ठीक है। एक सेकेंड, तुम बोलो, साइड हो गया 500, लैप्स लैप्स सारा लैप्स, ठीक है सारा लैप्स। उसके बाद में प्रीमियम, टोटल प्रीमियम कितना पे किए हैं 250, सब में माइनस आ जाएगा प्रॉफिट। ऐ तुम बताओ, हाँ तुम बोलो, 250 क्या प्लस माइनस बोलते बोलते चलना, हाँ हाँ ये सब में जाएगा राइट, फिर लास्ट वाले में क्या आएगा प्लस 250। ठीक है, हाँ अब मैं एक सम देता हूं, वो तुम लोग ट्राई करो। निफ्टी का लेवल्स क्या चल रहा है देख के बताओ, तो हाँ 22,700 ना, ठीक है। मैंने किया है C माइनस एट द रेट 22,700, इसका मैंने प्रीमियम दिया है, मान लेते हैं इसका मैंने प्रीमियम लिया है 200 रुपया, एंड मैंने किया है P माइनस एट द रेट 22,700, इसका मैंने प्रीमियम खाया है 230 रुपया, ठीक है ना। और टाइम पीरियड है तुम्हारा 1 मंथ का, सो एक महीना के बाद में निफ्टी के लेवल्स देख लो। बाईस हजार दो सौ, बाईस हजार तीन सौ, बाईस हजार चार सौ, बाईस हजार पांच सौ, बाईस हजार, ओ हो एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 22,500, 22,600, 22,700, 800, 900, 23,000, ये लेवल्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेवल्स हो गए, ठीक है। यहां पर सी माइनस का पे ऑफ, ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा पी माइनस का पे ऑफ, ठीक है, फिर तुम्हारा टोटल प्रीमियम, और फिर यहां पर तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर में कंबरसम हो गया, मैनेज कर लेना, ठीक है। यस, पीछे से कृतिका बोलो, सी माइनस का पे ऑफ बोलो, हाँ लैप्स 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 -100, -200। प्राची बोलो, एक मिनट हो गया, प्राची बोलो,
अरे वो ये पूछते कि तुम एडमिशन लिया कि नहीं लिया। हम लोग का बहुत स्ट्रांग है भाई, अभी 3-4 लोग और हायर कर रहे हैं। ऐसे कोई समझ ला बात को, मैन टू मैन मार्किंग कोरिया की तरह। आशु तुम बोलो। लड़की को देखिए सीधा आई लव यू बोल देगा, नेगेटिव 200। ठीक है, अब यहां पर क्या है, दोनों का प्रीमियम खाया है कि लिया है, तो कितना आएगा सब में? अब बताओ प्रॉफिट बताओ, 230। हां 330, 430, 330, 230, 130 हो गया। कॉपी हो गया वाला। चलो इंफोसिस का शेयर प्राइस बताओ। ठीक है, मैंने क्या किया है, सी माइनस किया है एट द रेट 1200, पी माइनस किया है एट द रेट 1700। अरे उल्टा लिख दिया यार, एक मिनट को तुम लोग संग संग कॉपी मत करो यार। सी माइनस किया है 1700, पी माइनस किया है 1200। ठीक है, कॉल का जो प्रीमियम है वो है 20 रुपया, पुट का जो प्रीमियम है वो है 35 रुपया। या फिर पुट का एक काम करो, पुट का इसको 25 रुपए कर दो। ठीक है, ओ माय गॉड। ठीक है, लेवल्स देख लो, हजार, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000। ठीक है, चलो आ जाओ सी माइनस। अरे तुम बताओ, बीच में चिराग बोलो। सौ क्या? हाँ, तुम बोलो। यस बोलो। हाँ ठीक है, टोटल में प्रीमियम कितना खाया है? हाँ प्रॉफिट बोलो। हाँ हाँ सब में, कितना में? 3 में ना, तो 2 में और 45 हो गया फिर। हाँ 2 ठीक है, अभी हम लोग 4 सम बनाए, ये कोई हैपेजेड सम नहीं था। पूरा शेयर मार्केट में ये 4 स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग ये किए, ठीक है, पहले मैं बोल दूंगा फिर इससे समझा दूंगा। ठीक है, एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं।
ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहला जो था दैट वॉज लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है? ये क्या है भाई? लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब क्या है? सी प्लस एंड पी प्लस, ये दोनों जो मैं करूंगा, स्ट्राइक इज इक्वल टू स्पॉट, स्ट्राइक इज इक्वल टू स्पॉट। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। वी बनेगा। ये कौन करता है? जिसको ये पता है मार्केट में तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन है। अगर जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो जीत गया तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अगर रूलिंग पार्टी नहीं आया तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा कि नीचे बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि इंडिया विक्स जो है, उसको ये जरूर पता है कि इंडिया विक्स जिससे वोलेटिलिटी मेजर होता है ये बढ़ने वाला है। तो वो क्या किया, जिसको डायरेक्शन का आइडिया नहीं होगा वो क्या करेगा? वो करेगा सी प्लस एंड पी प्लस एट द रेट स्पॉट। अब स्पॉट क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी एक तरफ मान लो बहुत जोर का मूवमेंट होता है तो तुम पैसा कमा के निकल जाएगा, जैसे कि पहला केस में हुआ। हमने क्या किया? सी प्लस एंड पी प्लस। अब देखो, तुम देखेगा यहां पर एंड यहां पर कोई भी एक तरफ में अगर बहुत जोर का मूवमेंट हो रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मार्केट अगर थम जा रहा है तो तुमको लॉस या फिर एकदम कम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये पहला सिनेरियो था लॉन्ग स्ट्रैडल, सी प्लस एंड पी प्लस एट द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट पे होता है। मतलब अगर मान लो बैंक निफ्टी का लेवल अभी चल रहा है 48,600, तो 48,600 का एक कॉल बाय और एक कॉल बाय और एक पुट बाय। ठीक है, 48 जो स्पॉट है उसी का एक कॉल बाय करेंगे और उसी का एक, मैंने यहां पर क्या किया, 500 चल रहा था स्पॉट, मैंने स्पॉट का स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल और एक पुट बाय कर लिया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एट द मनी पुट। मतलब जब तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस दोनों सेम होगा तो उसको बोलेंगे एट द मनी। क्या बोलेंगे? एट द मनी। ठीक है, इसके बाद यही समझ लो, एक होता है तुम्हारा शॉर्ट स्ट्रैडल, मतलब एट द मनी पे एक कॉल सेल और एक पुट सेल। ये कौन करता है? उसको लगता है भाई मार्केट में बहुत स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, मार्केट में बहुत स्टेबिलिटी है तो हम एक तरफ का क्यों बेचे, हम दोनों तरफ का बेचेंगे ना। क्यों बोलो तो? मार्केट तो या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो हम दोनों तरफ का प्रीमियम खाएंगे ना। ये क्या बोलता है? मार्केट थम जाए, एक इन्वर्टेड कोन बनेगा कुछ ऐसा। क्यों बोलो तो? अब ये क्या सोच रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाला जो रेंज है, मेरा रेंज भी बढ़ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? एट द मनी कॉल सेल पुट सेल। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? एट द मनी कॉल बाय पुट बाय। एट द मनी का मतलब क्या होता है? स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक। ठीक है, ये देखो, ये वाला केस देखो, निफ्टी कितना चल रहा है 22,700 चल रहा है। मैं क्या किया? एक कॉल सेल किया और एक पुट सेल किया। ठीक है, दोनों तरफ का प्रीमियम खाया तो मेरा रेंज बढ़ गया, वो रेंज जिसमें मैं प्रोटेक्टेड हूं। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हो रहा है? जब मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। यही समझ लो, 22,700 का कॉल पुट सेल किया है, मार्केट चला गया 21,000, 20,000, मार्केट चला गया 23,000, 24,000,
कोई एक तरफ में बहुत ज्यादा मूवमेंट होने से मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ओटीएम सी प्लस पी प्लस। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। सर ये क्या होता है, देखो स्ट्राइक है 500, ठीक है, कॉल का बात कर लेते हैं। स्पॉट तुम्हारा चल रहा है 510, ठीक है। अगर आज हम इसको एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपए का पे ऑफ मिलेगा, 10 रुपए का। इसको बोलते हैं इन द मनी कॉल। समझ लो अगर 500 चल रहा है, अगर आज हम इसको एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बट स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक, इसको बोलते हैं एट द मनी कॉल। 480 चल रहा है, लैप्स तो ठीक है, तुमको क्या लगता है 400 का लैप्स में और 500 का लैप्स में फर्क नहीं है क्या, क्या फर्क है? इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये इन द मनी में जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी कम है कि ये इन द मनी में जाएगा, तो किसका प्रीमियम ज्यादा होगा? इसका प्रीमियम सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका प्रीमियम, उसके बाद इसका प्रीमियम, उसके बाद इसका प्रीमियम। ये बहुत दूर का आउट ऑफ मनी है, ये हल्का आउट ऑफ मनी है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा ओटीएम। यही सेम चीज स्ट्राइक मान लो है 500, पुट का बात करिए 510 आउट ऑफ मनी, 500 एट द मनी, 490 इन द मनी। आज एक्सरसाइज करने से कितना मिलेगा, 10 रुपया। आज एक्सरसाइज करने से कितना मिलेगा, 10 रुपया। आज अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा बताओ, ठीक है। इन द मनी क्या है, अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, दैट इज इन द मनी। एट द मनी मतलब स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक, एंड आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है, आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है, आज एक्सरसाइज करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या हो रहा है, मैं आउट ऑफ द मनी कॉल प्लस बाय कर रहा हूं। आउट ऑफ द मनी कॉल प्लस बाय करने का मतलब क्या है, क्यों बोलो तो, ये है मेरा स्पॉट, ठीक है ना। देखो मैंने यहां पर क्या किया है, ये देखो बैंक निफ्टी का जो मैंने ट्रेड लिया था, अब जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड ले रहा है उसमें क्या हो रहा है, स्पॉट चल रहा है तुम्हारा 48,600,
एट द मनी वाले का प्रीमियम ज्यादा होगा कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करने से क्या होगा, इट्स बेसिकली बाइंग अ लॉटरी टिकट, ठीक है ना। बाइंग अ लॉटरी टिकट मतलब 48,600 चल रहा है, मैं कॉल बाय किया हूं 49,500 का, मतलब 900 पॉइंट जब बैंक निफ्टी बढ़ेगा उसके बाद तो मेरा पे ऑफ चालू होगा। ये एट द मनी बाय करता तो बढ़ते ही मेरा पे ऑफ चालू होता एंड कुछ टाइम बाद मेरा प्रॉफिट चालू होता, बट उतना मेरा जिगरा है नहीं। एट द मनी ऑप्शन का प्रीमियम होगा 500 रुपया, कौन देगा, तुम देगा? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का प्रीमियम है 100 रुपया, खेल के देखते मजा आ जाएगा। माइंडसेट क्या है ट्रेडर का, एक हफ्ता में क्यों 20,000 का चूना लगाए, 4,000 करके 5 हफ्ता में ट्रेडिंग करेंगे, अल्टीमेटली होगा क्या पता है, वो पांचों हफ्ता में एक हफ्ता भी उसका नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आउट ऑफ द मनी में अब पुट का मतलब क्या है, देखो 48,600 चल रहा है मतलब 1100 पॉइंट गिरेगा तब तो तुम्हारा पे ऑफ चालू होगा, इसलिए ऐसा नौका बना है। ये कब करेंगे, जब मेरे को लगता है बहुत जोर का तूफान आएगा, बहुत जोर का एक्सट्रीम, तब हम ओटीएम में ट्रेड करते हैं, या फिर जब पैसा नहीं होता तब। एक और, जब नौका डूबेगा पानी में, दैट इज शॉर्ट स्ट्रैंगल, ओटीएम सी माइनस पी माइनस। अब इस केस में ठीक है, मैंने बहुत जोर का मूवमेंट आएगा, जैसे एक चीज समझाते हैं क्या करते हैं लोग जनरली, जैसे मान लो शुरू शुरू में ना तुम बहुत देख के ट्रेडिंग करेगा, जब तुमको अनुमान लग जाएगा ना ट्रेडिंग का, ये डायग्राम कॉपी कर लिया, उसके बाद पहले तुम कैसे ट्रेडिंग करेगा हम तुमको बताते हैं, तुम कैसे ट्रेडिंग करेगा देखो, तुम बोलेगा स्पॉट चल रहा है 48,000, ठीक है, 1,000 रुपए का स्प्रेड में, तुम जो डीलर होगा पता है उसको क्या बोलेगा, 1,000 रुपए का स्प्रेड में कॉल पुट सेल कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या मतलब है, तुम उसको क्या बोल रहे हैं, मैंने बेसिकली जो उसको ना टोटल स्प्रेड 2,000 का होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, सी माइनस करेगा 49,000 का और वो पी माइनस करेगा 47,000 का, सो अल्टीमेटली 2,000 का स्प्रेड हो गया। इसमें तुम प्रीमियम खाया मोटा मोटी समझ लो 300 रुपया। अल्टीमेटली ट्रेड क्या बैठा सुन लो, अभी हो सकता है हाई लेवल हो बट सम्स करेंगे कल परसों तो क्लियर हो जाएगा, ट्रेड क्या हुआ सुन लो, स्पॉट चल रहा 48,000, कोई भी तरफ में 1,000 रुपया पहले मूवमेंट होगा तब तो तुम्हारा पे ऑफ देना चालू होगा, 300 रुपया खाया वो अलग, सो अल्टीमेटली तुम्हारा लॉस कब से चालू होगा लोअर एंड में बताओ, तो लोअर एंड में तुम्हारा लॉस कब से चालू होगा, 47,700 के नीचे तुम्हारा लॉस चालू होगा, क्योंकि 1,000 रुपया नीचे मतलब क्या 46,700 and 49,300, तो ये पूरा तुम्हारा रेंज में तुम प्रोटेक्टेड है, ये पूरा तुम्हारा रेंज में तुम प्रोटेक्टेड है, समझा। एंड बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट इससे ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाता है, अगर मान ले एक दिन बहुत जोर का गिर गया 2-3 दिन में दोबारा उठ जाएगा, समझा। तो तुम 2,000 का स्प्रेड में शॉर्ट स्ट्रैंगल किया, तो बस पैसा भी उतना नहीं था डिप्लॉय करने के लिए। ओटीएम का मतलब क्या है, ओटीएम का मतलब तुम्हारे पास बेसिकली देखो ओटीएम ये मैं तब करूंगा, आज एक चीज समझना, जब मैं यही स्पॉट चल रहा 48,000
अगर मैं एट द मनी पे सी माइनस पी माइनस करता हूं तो इसका मतलब क्या है, मान लो टोटल में मैंने प्रीमियम खाया 600 रुपया, तो अब मेरा रेंज कितना है? हाँ, 47,400 से लेकर के 48,600, यही तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। रेंज बड़ा, प्रॉफिट कम, रेंज छोटा, तो बेसिकली अब क्या होगा इसमें, जैसे ही 47,400 के नीचे जाना चालू होगा तुम्हारा लॉस जाना चालू हो जाएगा। बट तुम प्रीमियम में वो कितना खा लिया, 600 रुपया, ठीक है ना। तो ज्यादा पैसा लगाएगा तो ज्यादा रिटर्न कमाएगा, कम पैसा लगाएगा तो कम रिटर्न कमाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्कशन था इसको खत्म करते हैं, फिर ब्रेक देंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ये जो डिस्कशन था, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। देखो, ऑप्शन का प्रीमियम में दो चीज होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है अगर तुम आज एक्सरसाइज करेगा तो कितना रुपया मिलेगा। जैसे मान लो स्ट्राइक चल रहा है 500, कॉल ऑप्शन का बात कर रहे हैं बाय किया है, स्पॉट चल रहा है 520, अगर तुम आज एक्सरसाइज करेगा तो कितना रुपया मिलेगा। इसी ऑप्शन को अगर तुम आज एक्सरसाइज करेगा तो कितना रुपया मिलेगा, 20 रुपया। ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा तो 20 रुपया तो ऑलरेडी इन द मनी है ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपया हुआ। प्लस अभी एक महीना बाकी है मैच्योरिटी में, तो एक महीना में और प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा तरफ में मूव करेगा। सर अगर मैंने अगेंस्ट में मूव कर दिया, डर नहीं है, बिकॉज द लॉस इज लिमिटेड ऑन द डाउन साइड। लॉस तो लिमिटेड है ना, the loss is limited for a buyer, the loss is limited to the maximum premium that is paying. Time value है मान लो 15 रुपया, टोटल में ऑप्शन प्रीमियम निकल के आया 35 रुपया। ये 35 रुपया बेसिकली है क्या, इसमें 20 रुपया तो इंट्रिंसिक वैल्यू का है और ये 15 रुपया टाइम वैल्यू का है। टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, अभी आने वाला एक महीना में ये जो ऑप्शन है तुम्हारे फेवर में और मूव कर सकता है। अभी आने वाला में दिस इज द वोलेटिलिटी प्रीमियम, दिस इज द वोलेटिलिटी प्रीमियम, दिस इज द वोलेटिलिटी प्रीमियम। वोलेटिलिटी प्रीमियम मतलब अभी ये जो ऑप्शन है ये तुम्हारे फेवर में मूव कर सकता है। यही अगर मान लो ये पहला केस हो गया, यही अगर मान लो अभी कुछ कॉपी मत करना, एसटी है 500, तो तुम्हारा ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो मोटा मोटी 70 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि आज अगर एक्सेस करेगा तो कितना रुपया मिलेगा, आज अगर एक्सेस करेगा तो कितना रुपया मिलेगा, 0। तो पूरा का पूरा क्या है, टाइम वैल्यू तुम्हारे फेवर में मूव करेगा। शेयर में वोलेटिलिटी है तो तुम्हारे फेवर में मूव करेगा, उस चीज का प्रीमियम है ये। सर अगर अगेंस्ट मूव कर, डरते हैं क्या, अगर अगेंस्ट मूव कर गया तो कर गया, मैक्सिमम लॉस कितना है, 70 रुपया। एक और केस, एसटी 490, ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा, 8 रुपया, अंदाजे से बोल रहा हूं। अब क्या होगा बताए, क्यों 8 रुपया है, टाइम वैल्यू। सर यहां पर तो टाइम वैल्यू 70 रुपया है, यहां पर टाइम वैल्यू 8 रुपया है। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो इन द मनी जाएगा, आउट ऑफ द मनी से वो इन द मनी जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एक और, इसका प्रीमियम कितना होगा, 2 रुपया, समझ गया, ये 2 रुपया मतलब पानी में दिया, ऐसा समझ ले। चपैक, कल मेरे दोनों को बोला ना, हवा और चिप्स, ये है वो हवा और ये है वो चिप्स, और ये है हवा, ये भी है हवा और ये भी है हवा, तो आगे से क्या खरीदेगा,
खाली हवा ना, हवा प्लस चिप्स, हवा प्लस चिप्स, ठीक है ना, क्योंकि इस समय तो माल है ही नहीं, ठीक है। बायर का माइंडसेट क्या है, छोटा माइंडसेट है, 2 रुपए लगाओ 2 करोड़ कमाओ, ऐसा होता नहीं है। सेलर का माइंडसेट क्या है, कोई हालत में नहीं जाएगा, और चला भी गया तो 5 साल 2 साल में एक बार जाएगा, ठीक है, वो बार बार बेच के पैसा कमाएगा, ठीक है। सो बेसिकली 2 टाइप का चीज होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू इज बेसिकली द वोलेटिलिटी प्रीमियम जो हम लोग पे कर रहे हैं कि जो ऑप्शन है वो मेरे फेवर में मूव करेगा। सर अगर अगेंस्ट में मूव किया तो द लॉस इज लिमिटेड, ठीक है ना। सो एट द मनी ऑप्शन इज स्टिल गुड, क्योंकि हल्का सा भी मूवमेंट होने से मेरे फेवर में मूव करने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। और एक बात बताते हैं, ठीक है वो छोड़ो, पहले इसको कॉपी कर लो। आवाज ऑप्शन ले, समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली हमने यहां पर जो ट्रेड लगाया ये वाला, जैसे इंफोसिस वाला देखो, हमने यहां पर क्या किया, स्पॉट चल रहा था 1450, हमने क्या किया, अब देखो स्पॉट चल रहा है 1450, हमने क्या किया 1700 का स्ट्राइक प्राइस, मतलब 250 रुपया बाद तो मेरा पे ऑफ चालू होगा देना। तो 1700 का कॉल बेचा एंड 1200 का पुट बेचा, सो टोटल स्प्रेड हो गया 500 का। तो 500 का स्प्रेड में मैंने कॉल पुट बेचा। तो ट्रायंगल में क्या होता है, हम लोग को थोड़ा स्प्रेड अच्छा मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज लो, सो देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग शुड ऑल्सो बी, प्रोबेबिलिटी सॉरी उल्टा बोल दिया, तो प्रोबेबिलिटी देखो यहां पर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज लो, क्योंकि यहां स्प्रेड देखो ना, एक तो ये हो गया और बेचा तो ये जो पैसा खाया 45 रुपया वो अलग, तो इसका रेंज कोई बता सकता है क्या, लोअर में इसका रेंज बताओ तो, लोअर में इसका रेंज बताओ तो कि कितना के नीचे जाने से लॉस चालू होगा, 1-1। अरे दोनों को ऐड अप करना है ना अरे मेरा भाई, 45 टोटल में प्रीमियम कलेक्ट किया ना, 1-1, 1-1, 5-5 के नीचे मेरा लॉस चालू एंड ऊपर में किसके ऊपर मेरा लॉस चालू, 1745, तो रेंज बड़ा मिल गया ना,
तो बड़ा रेंज है क्योंकि तुम ओटीएम बेचा है, ओटीएम बेचा है, तो विनिंग अमाउंट इज ऑल्सो लो। स्प्रेड जितना बड़ा होगा विनिंग का अमाउंट उतना ही लो होगा, यही सोचो, यही सोचो। तुम कॉल बेचा 1700 के जगह में 2000 का और पुट बेचा 1200 के जगह में 1000 का, तो प्रीमियम ज्यादा खाता ना कम, कम, तो स्प्रेड और बढ़ाया तो विनिंग का अमाउंट क्या हुआ और कम। ओटीएम, दोनों तो ओटीएम है, 1450 स्पॉट चल रहा है, पुट है 1200 का स्ट्राइक, माने 1200 के नीचे जाएगा तो डिफरेंस जाएगा और स्पॉट चल रहा है 1450। स्पॉट तुम्हारा चल रहा है 1450, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस देखो, स्ट्राइक प्राइस है 1200 का, पुट का बात हो रहा है, ठीक है। 1200 का स्ट्राइक प्राइस है, मतलब 1200 के नीचे जाने से पे ऑफ चालू होगा, तो अगर आज एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा, लैप्स, तो ओटीएम है ना, यही कॉल का बात करो, इन द मनी है, आज एक्सरसाइज करने से 250 का पे ऑफ, यही 1450 एट द मनी, ठीक है, यही 1650 पुट, आज अगर एक्सरसाइज करेगा तो 1650 के नीचे जितना है वो मेरा पे ऑफ, तो कितना नीचे है 200, और ये कॉपी करो उसको, ये पुट था ना, दस मिनट का ब्रेक है, फिर हम लोग चैप्टर वो जो है अपना वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है।